अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इंडिया नाम पर विपक्ष को घेरा और साफ तौर पर यही कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की वजह से आज भारत की छवि एक विश्वसनीय राष्ट्र के तौर पर बनी है और पीएम ने इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अब पांचवें नंबर पर कर दी है और उम्मीद ये है कि जो तीसरा हमारा टेन्योर होगा तब तक इकॉनमी को दुनिया की तीसरे नंबर की इकॉनमी कर देंगे। और ये जो अच्छी छवि पीएम मोदी की ओर से बनाने की पूरी भरसक कोशिश की गई और बनाई भी गई, उसी का फायदा उठाने की कोशिश इंडिया नाम रख के विपक्ष कोशिश कर रहा है करने की। तो संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई उसी के बारे में प्रहलाद जोशी अभी फिलहाल बता रहे थे। बाकायदा आंकड़े के साथ उन्होंने बताया कि कैसे 2014 से लेकर के अभी तक लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था में कैसे वृद्धि हुई है और आगे कैसे प्रधानमंत्री तमाम जो सांसद थे उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो हर घर जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि इंडिया नाम कैसे गलत रखा गया। विपक्ष को चर्चा के लिए सदन में आना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है जबकि सरकार पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए मणिपुर केस पे तैयार है। लेकिन एक अहम बात आज पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा कि इंडियन मुजाहिदीन हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या फिर अन्य इंडियन, इसमें सब में जो है वो इंडियन नाम है, लोगों को भ्रमित करने के लिए जो लोग सोच रहे ऐसा नहीं है, क्या कहेंगे सर? क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? तो ये बात सही कही है कि ऐसे तमाम संगठन हैं जो इंडिया जोड़ करके ही और लोगों को भ्रमित करने का काम किया हमारे देश में। तो ये बात भी सही है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन रहे हो, चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रही हो, तो ये तमाम चीज़ें भारत का नाम, इंडिया का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और बाद में उनकी गतिविधियाँ ऐसी नहीं रहती जो देश को विकसित देश बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में कोई मदद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है विपक्ष की भूमिका ही में ही रहेगा क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, चर्चा नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। देखिए सीधी सी बात है, विपक्ष मोदी जी को हटाने की बात कर रहा है, विकसित भारत के लिए क्या काम कर रहा है विपक्ष? हमारा देश आगे कैसे चलेगा या कोई सुझाव देना है या कोई बात करनी है, कैसे हम राष्ट्र का निर्माण बेहतर करेंगे, इस पर विपक्ष कोई चर्चा ही नहीं करता। वो तो एकजुट होकर के मोदी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ, मोदी हटाओ, वो केवल इतनी बात करता है। और कुछ विशेष बात पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री? तो अब इंडिया नाम के ऊपर बवाल लगातार हो रहा है। देखिए इंडिया के नाम पर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी बयान दिया इस पर। तो देखिए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की ओर से ये कहा गया है कि इंडिया नाम का इस्तेमाल फैशन सा हो गया है, प्रतिबंधित संगठन भी इंडिया नाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मिसाल दी ना उन्होंने, कौन सा कहा कि जो अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए, 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है PFI को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है वो फैशन, जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। तो इस मीटिंग के बाद अब जितने भी सांसद बाहर निकल रहे हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि कैसे इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है विपक्षी दलों की तरफ से वो कैसे गलत है और कैसे ये तो फैशन बन गया है। ये जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो फिर वो देश हित में ही हो। जितने सांसद अब बाहर आ रहे हैं वो सभी इसी बात को कह रहे हैं। तो वहीं संसद में गतिरोध के बीच लोकसभा के स्पीकर ने दोपहर 12:30 बजे लोकसभा के नेताओं की बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा स्पीकर की तरफ से अब बैठक बुलाई गई है, गतिरोध खत्म हो सके संसद और सुचारू रूप से काम संसद का चल सके इसके लिए 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है। तो अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। ओम बिरला की ओर से यह अहम बैठक बुलाई गई है। दरअसल आपको बताएं कि मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ लोकसभा का सत्र दिखाई दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे हमारे सीनियर कलीग विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, 12:30 बजे लोकसभा नेताओं की बैठक बुलाई गई है ओम बिरला की ओर से?
देखिए स्पीकर ने, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12:30 बजे तमाम जितनी भी पार्टीज हैं उनके जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी एक बैठक बुलाई है, क्योंकि फ्लोर लीडर ही अपनी पार्टी के रुख को तय करते हैं, तो उनके साथ बातचीत करके किसी तरीके का बीच का रास्ता निकालने की एक और कोशिश की जाएगी। और इस बैठक में फ्लोर लीडर जो तमाम विपक्षी दल है उनके नेता भी शामिल होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, और एक तरह से दोनों पक्षों को सामने बिठाकर ये कोशिश की जाएगी कि कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि संसद ना चल पाने के कारण काफी नुकसान हो रहा है। और इस बार का मानसून सत्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है, 20-21 दिन की सिटिंग होती है, और उसमें से 3-4 दिन शुरुआत के जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, कोई काम ज्यादा उनमें नहीं हुआ है। और सरकार चाहती है कि ये लॉकडाउन की स्थिति जल्द से जल्द खत्म हो, और सरकार मणिपुर पर भी चर्चा करवाने के लिए तैयार हो गई है, हालांकि अभी नियम को लेकर के किस नियम के तहत चर्चा हो इस पर मामला अटका हुआ है। वहीं विपक्ष अपनी बात पर अभी भी कायम है, विपक्ष की ये मांग है कि सरकार इस मामले में वोटिंग वाले नियम के तहत तो चर्चा करवाए।